नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। और बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर जिनके बारे में कुछ भी बोले वो कम है, लता जी से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आ रहा है। मेरी रिटायरमेंट की खबरें फर्जी है, ऐसा कहा लता मंगेशकर ने। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का कहना है कि उनकी रिटायरमेंट की खबरें फर्जी हैं और वह अपनी अंतिम सांस तक गाती रहेंगी। सोशल मीडिया पर लता जी का गाया हुआ मराठी गाना आता विश्वाचा कसा पोस्ट किया गया है, जिसका अर्थ है अब आराम का समय है। इस गाने को लता जी की रिटायरमेंट से जोड़ कर देखा जा रहा है, जिससे उनके प्रशंसकों में मायूसी है। लता जी ने एक खास बातचीत में कहा कि मुझे नहीं पता कि यह अफवाह किसने शुरू की है और क्यों की है। मुझे यह किसी खाली बैठे बेवकूफ आदमी का काम लगता है। दो दिन पहले मुझे अचानक मेरे रिटायरमेंट को लेकर के संदेश और फोन आने शुरू हो गए। लता जी हैरान हैं कि यह खबरें कहां से आ रही हैं। उन्होंने इस बातचीत में आगे कहा कि मुझे पता चला कि मेरे मराठी गीतों में से एक आता विश्वाचा कसा को मेरे अलविदा कहने के गीत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मैंने 5 साल पहले उस गीत को गाया था। 2013 में इस गीत को लेकर के संगीत निर्देशक सलील कुलकर्णी मेरे पास आए और मैं इसे मुख्य रूप से गायन करने पर सहमत हुई, क्योंकि यह प्रसिद्ध कवि बालकृष्णन भगवंत बोरकर ने लिखा था। मैंने कभी उनकी कविता नहीं गाई थी। मुझे क्या पता था कि 5 साल बाद शरारती दिमाग वाले लोग इसे मेरी रिटायरमेंट से जोड़ देंगे। लता जी ने अपने प्रशंसकों को आश्वासन दिया कि उनके रिटायरमेंट की कोई योजना अभी नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक गाती रहेंगी। ये थी लता जी से जुड़ी एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि लता जी ने सिरे से इस वायरल वीडियोस को और न्यूज़ को खारिज किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब तक है उनकी सांस वो गाती रहेंगी, गाना ही उनका जीवन है। इनफैक्ट हम सभी इंडियंस, हम सभी भारतवासियों के लिए लता जी का गाया हुआ हर एक गाना अपने आप में एक जीवनदान है। थैंक यू सो मच लता जी, हम आपकी स्वस्थ और कुशल जीवन और हेल्थ की कामना करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।